देशवासियों के लिए एक और दुखद समाचार। पिछले हफ्ते तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश की अनहोनी में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज यानी बुधवार को निधन हो गया है। आपको बता दें कि कैप्टन का उपचार बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में चल रहा था। इस बात की पुष्टि इंडियन एयरफोर्स द्वारा की गई है। सभी जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 जवानों की हुई मौत के गम से उभरे भी नहीं थे कि एक और दुखद समाचार के बाद देश में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि इस हादसे में 14 लोग घायल हुए थे, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन 8 दिसंबर से अपनी जान की जंग लड़ रहे कैप्टन वरुण सिंह भी आज देशवासियों को अलविदा कह गए। वहीं इस खबर को सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने लिखा कि भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, वीरता और अत्यधिक व्यवसायिकता के साथ देश की सेवा की। उनके निधन से मैं बेहद आहत हूं। राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उनके परिवार तथा मित्रों के लिए संवेदनाएं एवं शांति। डेली अपडेट्स के लिए बने रहे था वोकल न्यूज हिंदी के साथ।